हम देख सकते हो बाइक स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, टेक्निकला मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यमहा YZF R6 बाइक का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बाइक मॉड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ OpenAV की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OpenAV को इंस्टॉल कर लीजिए। OpenAV को इंस्टॉल करने के बाद इस बाइक मॉड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बाइक मॉड को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक कीजिए। एक्सट्रैक करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद XCC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ YZF R6 का फोल्डर दिख रहा है ना, उस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद OpenAV को ओपन कीजिए। OpenAV ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट, अपडेट डॉट RPF, कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC List XML का एक टेक्स्ट दिख रहा है ना, टेक्स्ट को राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ कौन सी बैक लाइन को कॉपी कीजिए। कौन सी बैक लाइन को कॉपी करने के बाद उस लाइन को लास्ट में पेस्ट कीजिए। उस लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद इतना कट कीजिए। इतना कट करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा YZF R6। YZF R6 टाइप करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस बाइक को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस बाइक का मॉडल नेम आपको मैनुअली टाइप करना होगा, YZF R6। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो यमहा YZF R6 बाइक आ गई है। यहाँ आप देख सकते हो बाइक आ गई है। चलो अब हम इस बाइक को ले लेते हैं। मैं आपको इस बाइक का साउंड फिर से सुना देता हूँ। ये हम देख सकते हो बाइक स्टार्ट हो गई है। के हेडलाइट, ओ भाई साहब, खतरनाक साउंड है।
इस बाइक के रियर बम्पर को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। इस बाइक के एयर फिल्टर को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इस बाइक के एग्जॉस्ट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये सही है। इस बाइक के मिरर्स को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये हम देख सकते हो। इस बाइक के विंडशील्ड को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये हम देख सकते हो। इसमें आपको लेवरेज भी मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, चलो अब हम इस बाइक का नाइट का लुक देख लेते हैं। ये हम देख सकते हो इस बाइक का नाइट का लुक, इसके हेडलाइट, इसके इंडिकेटर, चलो अब हम इस बाइक का साउंड और इस बाइक की टॉप स्पीड को टेस्ट करते हैं। ओ भाई साहब, खतरनाक साउंड है। वन नाइन्टी, टू हंड्रेड, टू टेन, टू ट्वेंटी, टू थर्टी, टू थर्टी फाइव। ब्रेक्स, ब्रेक्स भी मस्त है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।